देखो सरकार जिहड़ी है वह मानव हक्कां दा शोषण कर रही है ते उन्हां दा रस्ते रोकना, बिजली बंद करना, पानी बंद करना, ट्रेना ना आण देना। ट्रेना दा आनी सी दिल्ली भेजती भिवानी ते मतलब इस तरह का जिहड़ा वह कर रहे ने, इस तरह बिल्कुल वह गलत है। तो उन्हां दे पत्रकारां नूं फड़ के मुकदमे बनाने शुरू करते ने। जिहड़े साढ़े नौजवान उन्हां दा लापता दस्से नहीं किथे किथे नहीं, ये मानव हक्कां दा जिहड़ा है वह इन्होंने हनन करना शुरू करता है। देखो जी डी पी सब तो ज़्यादा खेती नाल ही वधदी है। जे जी डी पी का सवाल करिए, जी डी पी इंडस्ट्री नाल कदे नहीं वधदी, जी डी पी हमेशा खेती नाल वधदी है। जी डी पी मोटे तौर पर तुसीं मन्नो जी डी पी वधदी है खरीददार की पावर नाल। खरीददार की पावर जदों 65% लोगों की खरीद पावर खेती तो है। नरेंद्र तोमर तो यार इन्ना चालू बंदा है भाई, 11 मीटिंगा कर लिया हुण तक। 11 मीटिंगा च भाई मतलब उहदा ये है भी पंचायत की गल सिर मत्थे, पर परनाला उत्थे दा उत्थे वो एक कदम अगे नहीं वधिया। हर बार निराशा हाथ लगती है तो हर साल बजट घटता है। इस पिछला जिहड़ा बजट सी वो 5.1 सी, इस वार दा जिहड़ा परसेंट सी वो इस वार दा जिहड़ा बजट 4.3% है, होर घट गया है। नहीं नहीं नहीं, एक बार 26 तरीक तो बाद जिहड़ा है पुलिस ने टोल प्लाजे चकाने की कोशिश की सी, कई जगह तो उठ गए सी, कई जगह लोग अड़ गए सी, पर कई जगह पर जोर जबरदस्ती करके खाली कराते। बीजेपी के गुंडे भी आए सी ते सरकार ने यह बहाना बना के देखो जी ये हो सकता है वो हो सकता है, पर दोबारे सब ते कब्जा हो गया है। तो ये जिहड़ा मुरथल वाला है ये भी बंद कराता जाएगा, तो मैं अजे तक पता नहीं सी। मेरे ख्याल से अज तक के जिन्हें प्रधानमंत्री ने दू झूठा तो असी देखिया नहीं कोई। तो गल यही गोल करता भी लोगों को लगता भी हूँ कुछ होएगा, होना जवाना जाना कुछ नहीं, हूँ एक कॉल तो एक मिनट च हो जाती है। तो फिर मामला नपेड़िया क्यों नहीं, कई तो कई दिन पहला दी सी कॉल ने भाई एक कॉल की दूरी है, हूँ कॉल वो सानू करे कि असी उन्होंने करांगे, ये कोई पता नहीं। साडे नाल गुरनाम सिंह चडूनी ने, चडूनी साहब बड़े अहम पड़ा ते असी खड़े हाँ, जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं सरकार दे वलों, कंक्रीट पा के राह रुके जा रहे हैं, किवें देखदे हो? देखो सरकार जिहड़ी है वह मानव हक्कां दा शोषण कर रही है ते उन्हां दा रस्ते रोकना, बिजली बंद करना, पानी बंद करना, ट्रेना ना आण देना। ट्रेना दा आनी सी दिल्ली भेजती भिवानी ते मतलब इस तरह का जिहड़ा वह कर रहे ने, इस तरह बिल्कुल वो गलत है। तो उन्हां दे पत्रकारां नूं फड़ के मुकदमे बनाने शुरू करते ने। जिहड़े साडे नौजवान ने उन्हां दा लापता दस्से नहीं किथे किथे नहीं, ये मानव हक्कां दा जिहड़ा है वह इन्होंने हनन करना शुरू करता है। कितना देखदे हो किस तरीके नाल इस वेले लड़ाई लड़ी जाऊगी? हुण जिस तरीके नाल चक्का जाम दी कॉल दित्ती गई है उस नूं किस तरीके नाल देखिया जा रहा है, किस तरीके नाल लगदा कि सरकार ते दबाव बनेगा? 26 दी एड्डी वड्डी परेड करती उहदा दबाव नहीं पिया सरकार ते, तां इस चक्के जाम दा की असर देखदे हो तुसीं? देखो इह इक रोश है सारे देश च फैलाना है, सारे देश च फैलाउण वास्ते सारे देश की कॉल भी देनी पवेगी। जिहड़े लोग इत्थों 1000 किलोमीटर दूर ते बैठे ने उन उत्थे भी साडी आवाज़ जानी चाहीदी है भी ये तकलीफां वास्ते ये रोड जाम का कॉल दिता है। तो गुरनाम जी जिस तरीके तुसीं कह रहे कि चक्का जाम की कॉल दी हुई है, हरियाणे की असी गल कर लिए, उत्थे बहुत सारे टोल प्लाजे की खबर आई कि चला दिते गए, हाले भी मुरथल की गल आ रही है कि उत्थे चलता पिया टोल प्लाजा, तो हरियाणे के जिहड़ी की चीज़ चल रही है, मान ली कि उत्थे सरकार का जोर चल रहा? नहीं नहीं नहीं, एक बार 26 तरीक तो बाद जिहड़ा है पुलिस ने टोल प्लाजे चकाने की कोशिश की सी, कई जगह तो उठ गए सी, कई जगह लोग अड़ गए सी, पर कई जगह पर जोर जबरदस्ती करके खाली कराते। बीजेपी के गुंडे भी आए सी ते सरकार ने यह बहाना बना के देखो जी ये हो सकता है वो हो सकता है, पर दोबारे सब ते कब्जा हो गया है। तो ये जिहड़ा मुरथल वाला है ये भी बंद कराता जाएगा, तो मैं अजे तक पता नहीं सी, तो ये भी बंद करा दिता जाएगा कि कोई गल नहीं है। जी बड़ी बेबाकी नाल तुसीं गल्लां बातां करदे हो, जितनी बार भी मीटिंग के बाहर अपनी मुलाकात हुई है जां गलबात हुई है तुसीं साफ तौर पर कहते रहे हो कि मीटिंगां दे विच कुछ नहीं निकलना, पर संयुक्त किसान मोर्चा कहिंदा इस करके असीं नाल जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कहिंदे भी असीं एक कॉल की दूरी ते आ, हुण की लगदा है? मेरे ख्याल से अज तक के जिन्हें प्रधानमंत्री ने दू झूठा तो असीं देखिया नहीं कोई। तो गल यही गोल करता भी लोगों को लगता भी हूँ कुछ होएगा,
होना जवाना जाना कुछ नहीं, हूँ एक कॉल तो एक मिनट च हो जाती है। तो फिर मामला नपेड़िया क्यों नहीं, कई तो कई दिन पहला दी सी कॉल ने भाई एक कॉल की दूरी है, हूँ कॉल वो सानू करे कि असं उन्होंने करा, ये कोई पता नहीं। तुहाडे कोल नंबर नहीं है, तुसी नहीं कॉल कर रहे? मेरे कोल है नहीं यार, मैं तो कर लेना सी हुण तक। अच्छा, हाँ लगता कि कॉल जे तुसी करती तो चक लैणगे? मैं कहना पर उही तो चीज़ है, या तो सानू नंबर दसन कि फोन करिए, असं कर लीए उन्होंने। नरेंद्र तोमर के जरिए कहते गल कर लो। नरेंद्र तोमर तो यार इन्ना चालू बंदा है भाई, 11 मीटिंगा कर लिया हूँ तक, 11 मीटिंगा च भाई मतलब उदा ये है भी पंचायत की गल सिर मत्थे पर परनाला उत्थे दा उत्थे, वो एक कदम अगे नहीं वधिया। अखीर दे विच हुण जिस तरीके नाल अज बजट पेश किया गया, बजट तो बहुत सारिया उम्मीदा होंदिया ने पूरे देशवासियों नूं, पर खेती सैक्टर की असी गल करिए तां निराशा हथ लगती है हर बार, किवें देखदे हो? हर बार निराशा हथ लगती है तो हर साल बजट घटदा है। इस पिछला जिहड़ा बजट सी वो 5.1 सी, इस बार दा जिहड़ा परसेंट सी वो इस बार दा जिहड़ा बजट 4.3% है, होर घट गया है। अति चिंता दा विषय है, जदों आत्महत्या किसान कर रहा है, जदों किसान लड़ रहा है सड़क ते बैठा है, जदों किसान बिल्कुल कर्जे दे विच फसया होया, उस टाइम उहदा बजट घटाउण दा मतलब है खेती नूं तबाह करना। बड़ी हैरानी दी गल है कि जे सैक्टर ने सारे समय के दौरान कोरोना काल दे विच आप चक्या रख्या अपनी पूरी GDP नूं, उहनूं ही इग्नोर किया जा रहा, उहनूं ही दरकिनार किया जा रहा। देखो GDP सब तो ज़्यादा खेती नाल ही वधदी है, जे GDP का सवाल करिए, GDP इंडस्ट्री नाल कदे नहीं वधदी, GDP हमेशा खेती नाल वधदी है। GDP मोटे तौर पर तुसीं मन्नो GDP वधदी है खरीददार की पावर नाल, खरीददार की पावर जदों 65% लोगों की खरीद पावर खेती तो है, इहदा मतलब खेती च आमदन वधेगी तो 65% दे लोग जेब पैसा जाएगा, उन्हां 65% लोगों की जेब पैसा जाएगा तो वह बाजार चुन लिए। कि कारपोरेट को समझ आ गई कि GDP किवें अपने कब्जे च? नहीं मैनू समझ आई है, उन्होंने नहीं आई है जी, वो तो सोच रहे भी पैसा कमाना ही GDP है, पैसा कमाना GDP नहीं है। अज 90 करोड़ पर घंटे का कल्ले अंबानी की कमाई है, जे साल की ला दीए तो 8 लाख करोड़ तो वध बनती है। इहदा मतलब ये कि जनता दे सर्कल चो 8 लाख करोड़ एक साल च निकल गए, जो उधर जा रहे तो GDP वधेगी कितने, GDP डुबेगी हुई। तो इस सन गुरनाम सिंह चढ़ूनी साफ तौर पर कहते हैं कि जिस तरीके के हालात ने उन्होंने साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इस वक्त सीधे तौर पर सरकार चालां चल रही है, फोन कॉल दियां जिहड़ियां गल्लां कहीं जा रही ने साफ तौर पर जुमले ने, ये जुमले वो समझ चुके हैं। नाल दे नाल नरेंद्र तोमर नूं साफ तौर पर कहते हैं कि बड़ा चुस्त आदमी है, सानू हाले तक मीटिंगां दे विच उलझा के रखिया पर दिता कुछ नहीं। फिलहाल अगे आने वाले समय दे विच तस्वीर किहो जी रहने वाली है उसके बारे लगातार चर्चा चल रही है कि किस तरीके के हालात ने, किस तरीके किसानों नूं उलझा के रखा जा रहा है पर हल कोई निकलता होया नज़र नहीं आ रहा। संघर्ष लगातार लंबा हों जा रहा पर सिट्टा हाले भी नहीं निकल रहा, मीटिंगा बेसिट्टा रही ने, हूँ तो मीटिंगा की कॉल भी नहीं दी जा रही। बड़े सवाल हैं इस पूरे संघर्ष के दौरान, तुम इस बारे की सोच रहे हो? अपने कमेंट्स जरूर साझे करो। सहयोगी जस्सी के नाल हरदीप सिंह पोगल, स्पोक्समैन TV, कुंडली बॉर्डर।